रघुवीरा की एक घोषणा पक्की, प्रतला उपमंडल सरकार बनने पर अगर आती है तो मैं अभी लेता हूँ जी आपसे 100% से ऊपर हो तो वहां लगा लो, पक्की तो पक्की नहीं। ठीक है जी, अब जनता के सुना कह के भी जा रहे हैं, 5 साल पीछे बुला लियो, ना बने तो छोड़ देंगे विधायक बने। ठीक है जी, जनता के सवाल। एक मिनट और जी, जनता से जब कर किरथला में तो ब्लॉक बनाने का काम किया, आपकी सरकार में हुआ, हमारी सरकार में हुआ। प्रथला के पूर्व विधायक किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, 2009 में पहली बार प्रथला से विधायक बने, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो पलवल जिला बनने के बाद प्रथला के पहले विधायक हुए और प्रथला पहली विधानसभा सीट बनी उसके विधायक हुए। विधायक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और आपने जो देश रोजाना आपने चालू किया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, 2009 में आपको विधायक बनने का मौका मिला, कांग्रेस की आपकी सरकार थी, पलवल जिला बनने के बाद पहला चुनाव था। अगर मैं उपलब्धियों के बारे में पूछूं आपकी कि पलवल विधानसभा, खासकर प्रथला विधानसभा के लिए, किरथला में तो ब्लॉक बनाने का काम किया, आपकी सरकार में हुआ, हमारी सरकार में हुआ। उपमंडल कब बनेगा? अब की बार अगर जनता मौका देगी तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे बनवा के छोड़ेंगे। यानी कि प्रथला को उपमंडल का दर्जा आप ये कह रहे हैं कि ब्लॉक भी आपकी सरकार ने बनाया, और आप कह रहे हो कि हाँ उपमंडल का दर्जा बिल्कुल दिलवाने का काम करेंगे। और कोई प्लानिंग आगे के लिए विधायक जी? आपके जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो पलवल से गई हैं, हमारे नए गांव पहला गांव पड़ता हमारे क्षेत्र का जी, वहां से मोहना तक की सड़क बनाने का काम किया जी। हमारे यहां से बघोला से बघोला देवली मानकोल जनौली नए गांव, बहुत पुरानी मांग थी, उसको चौड़ी करके वो सड़क बनाने का काम किया जी। आपके आलापुर से और कलवा के तक जी, जबकि मेरे क्षेत्र में नहीं आता मंदपुड़िया कलवा का, हाँ जी हाँ, लेकिन लास्ट तक फिर भी कलवा के तक मंजूर करके उसे भी चौड़ी करके बनाने का काम किया जी। पिथरे से दूधौला धतीर तक गई, लेकिन हमने वहां तक भी चौड़ी करके बनाने का काम किया जी। जी जितनी भी सड़कें थी एक भी सड़कें नहीं छोड़ी, और आज जनौली के लिए जो सड़क बनाई है जो सरकार थी बीजेपी जेजेपी की, आज जाकर देख रहे नए गांव से जो जनौली को जो सड़क जा रही है उसमें बनने के 2 महीने बाद ही इतने गड्ढे हैं, पता न कैसे उसे मंजूर कर दिया, कैसे उसकी पेमेंट कर दी, पता नहीं कैसे, मेरे धर्म से नेताओं की पता नहीं और भाई मुझे तो अधिकारियों की पता नहीं, आप जाके देखें अगर जाके, उसमें सीवेज डालने का काम किया है लेकिन बीचों बीच में डाल दी, जबकि वहां नौकरम का रास्ता जाता है और सड़क 18 फिट है तो रास्ता इतना बसता है साइड को जा सकती थी वो जी, लेकिन 18 फुट के रहने के बाद भी वो 9 फुट भी रास्ता चलने का नहीं है, वहीं जो भी माल का भरा हुआ ट्रक या ट्रैक्टर जाता है तो नीचे बैठ जाता है। विधायक जी बहुत सारे वो कहते हैं कि बहुत सारी लगभग 500 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, हालांकि सरकार वहां पर बीजेपी का विधायक तो नहीं रहा दोनों बार, लेकिन वो दोनों विधायक कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें बनाई, वहां के विधायक कहते हैं कि हमने समान विकास किया, वहां के विधायक कहते हैं कि आपके टाइम पर जो विकास का जो कार्य था वो एक क्षेत्र तक सीमित था। पहली बात तो ये है मेरे क्षेत्र में 104 गांव है जी, ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड ये जाकर देखें जी, जब भी विकास के लिए धनराशि लाए हाँ जी, उसका बंटवारा मैंने और जो मेरे दो साथी बाद में बने उन्होंने कैसा किया जी, कोई भी साथी जाके ब्लॉक में या एडीसी को वहां देख सकता है जी, आपको मालूम हो जाएगा उसमें भेदभाव बदले की भावना जातिवाद वो लिस्ट बता देंगे जी। मेरी लिस्ट में चाहे मुझे किसी गांव में 100 से भी कम वोट मिली हो हाँ जी, चाहे 50 से भी कम मिली हो जी, और एक दो गांव ऐसे जिसमें 25 से भी कम मिली है जी, लेकिन वहां जाके पता करना करोड़ों में रुपए देने का काम किया है, करोड़ों की बात कर रहा हूं जी, कोई भेदभाव नहीं किया, कोई बदले की भावना नहीं रखी जी, किसी ने हरा के भेजा जिता के भेजा मैंने ये नहीं देखा जी, मैं तो जनसंख्या पंचायती आदमी हूं
जनसंख्या के आधार पर लगभग 3 के टकरी बना दी, बड़े गांव बीच के छोटे जी। अगर हम कहीं से विकास के लिए सरकार से धनराशि लेके आए तो समान बंटवारा किया, किसी ने हमें हराया जिताया ये नहीं देखा, किस जाति का गांव है ये नहीं देखा, किसी ने मांग रखी है ये नहीं देखा, किसी ने डिमांड रखी है हमारे पास आया या नहीं आया ये नहीं देखा, हमारी पार्टी का है या ये नहीं देखा, सरपंच किस पार्टी का ये नहीं देखा, बगैर कहे हर पंचायत में पैसे भेजने का काम किया, रिकॉर्ड देख रहे तो रिकॉर्ड की चीज है जी। और जो मेरे साथी हैं उनको देख लो जाके, अगर कभी 60 गांवों में देते तो 44 में नहीं दिया, और भाई 54 में देती तो 50 में ना दिया जी। अब वो ये भी देखते हैं आप किस जाति से संबंध रखते हैं, आप देख लेना उन गांवों में कितना पैसा दिया है और दूसरी जातियों के में क्या दिया है, मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं है आपके सामने, मैं तो खुद बता रहा हूँ रिकॉर्ड देख रहे हैं, कोई साथी जा देख सकता है। चलिए यहाँ तो बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदारी से जी सेवा की है, कोई जिंदगी में बता देना किसी से किसी रूप में एक पैसा लिया हो, जो कोई राजनीतिक मेरे जैसा हो मंदिर में घुसकर दिखा दे मैं तैयार हूँ, आ जाइए कोई जी। चलिए रघुवीरा के नाम से आप प्रसिद्ध हैं अपने लोगों में, हाँ प्यार से लोग रघुवीरा कहते हैं, आपको देख भी रहा था, आप कह भी रहे थे कि रघुवीरा कहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं मैं तो अपने टेलीफोन पर भी कहता हूँ रघुवीरा बोल रहा हूँ। चलो रघुवीरा से एक सवाल, हाँ कहो अंतिम, हरियाणा लेवल का सवाल है सरकार का, अभी एक लेटर लिखा है हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष ने मोहनलाल बड़ोली ने, और एक लेटर लिखा है अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को कि जो चुनाव की तारीख है 1 अक्टूबर से आगे बढ़ा दी, आपके नेता कह रहे हैं कि डर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमारे नेता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब एक हफ्ता हो गया चुनाव आयोग ने डेट तय करे हुए जी, आज क्यों कह रहे हैं वो उसी दिन कहते, लेकिन वो किस लिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं वो जनता से और किसानों से डरे हुए हैं जी। किस लिए डरे हुए हैं, आगे आने वाले समय में धान की फसल आने वाली है, अच्छा वो समझते हैं अगर ये 20-25 दिन बाद में हो जाए तो किसान फसल में लग जाएंगे और वो वोट पोलिंग कम होगी, इसलिए डरे हुए हैं। अच्छा अब जो समय है जी तो जनता में समय है, खाली है, वोट डालेगी, इसलिए ये खुद डरे हुए हैं जी, जी, जनता जी। तो तैयार बैठी है जी, कब बदलाव करती है, जिस दिन भी चुनाव होगा उस दिन बदलाव होगा, वो आपके सामने पता लग जाएगा। तो रघुवीरा की एक घोषणा पक्की, प्रतला उपमंडल सरकार बनने पर अगर आती है तो मैं अभी लेता हूँ जी आपसे, 100% से को ऊपर हो तो वार लगा लो, पक्की तो पक्की रहेगी। ठीक है जी, अब जनता के सवाल, सुना कह के भी जा रहे हैं 5 साल पीछे बुला लियो, ना बने तो छोड़ देंगे विधायक पने को। ठीक है जी, तेवतिया साहब एमएसपी की बात इन्होंने की, पिछले दिनों मोहनलाल बड़ोली हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान था, एक उनकी आजकल विज्ञापन चलते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, उसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा की सभी फसलें एमएसपी पर ली जाएंगी, क्या लगता है आपको? पहले भी कहते रहे लेकिन आज तक खरीदा तो है नहीं, किसान भी हो व्यापारी भी आड़ती भी, आज तक एमएसपी पर खरीदी तो है नहीं कोई भी माल, तो परेशान है किसान। क्या हरियाणा सरकार घोषणा कर सकती है सेंटर के बिना, आप विधायक भी रहे हो? नहीं वो तो ये कर सकती है, उन्होंने ये कहा है जो एमएसपी के रेट होते हैं उस रेट पे हम खरीदेंगे, लेकिन हर जिन्स को खरीदते तो है नहीं, खाली घोषणा करते हैं जी। आज तक पहले खरीदी हो जिन जिन्सों के बारे में कहा है, पहले भाजपा की 10 साल से सरकार आज तक खरीदी हो तो बताएं जी।